कार न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। गरियाबंद में कल प्रभारी मंत्री ने समीक्षा बैठक में कहा था कि जिले में मादक पदार्थों की अवैध बिक्री हो रही। चंद घंटों में देवभोग पुलिस ने दो अंतर्राज्यीय तस्करों को 15 किलो गांजे के साथ दबोच लिया। बीती रात करीबन 7 बजे देवभोग पुलिस ने ओडिशा सीमा पर स्थित खुटगांव चेकपोस्ट के पास से दो अंतर्राज्यीय तस्करों को 14 किलो 750 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार कर आज न्यायालय में पेश किया। आरोपी तोशिन खान और अजबूर खान दोनों यूपी के बागपत जिले के खेखरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। जूर मुजराम पता सा जी है तो रवाना हुए थे, उसी दौरान में सूचना मिला हमको, ये उड़ीसा बॉर्डर से छत्तीसगढ़ बॉर्डर की ओर बस बैठने के लिए दो लड़के पर जैसे भी सूचना मिला था, हम वहाँ गए, घेराबंदी किए कुड़गांव नाका के पास, हम रहा स्टाफ के, तो वहाँ पे हमको दो व्यक्ति मादक पदार्थ है तो पाया गया। कितने कितने का ये 14 किलो 750 ग्राम है। दोनों आरोपी कहाँ से? ये दोनों आरोपी एक ही गांव के यूपी के हैं, एक का तौसीन खान नाम है और दूसरे का अबूजर खान। गांजे की अनुमानित कीमत क्या है? वही 1,47,000 अनुमानित लागत है, 1,47,500।